मंडी पांगना के समीप गहरी खाई में घिरी कार अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दो की मौत, एक गंभीर घायल। मंडी जिले के उपमंडल करसोक से लगभग 25 किलोमीटर दूर पांगना के समीप देर रात कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पांगना के समीप शाना माना जाने वाली सड़क पर देर रात एक कार गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें तीन लोग सवार थे। गंभीर घायलों को करसोक अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से दो की मौत रास्ते में ही हो गई। मृतकों की पहचान संतराम पुत्र सोहनलाल उम्र 38 वर्ष गांव चमोला तथा जयंती पुत्र सेवादास उम्र 44 वर्ष गांव शाना के रूप में हुई है। नंदलाल पुत्र कलीराम घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। कांगड़ा घर के पास खून से लथपथ मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की तरसूह पंचायत में युवक का शव मिला है। शव की हालात देखकर स्थानीय लोगों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि युवक का शव घर के समीप पड़ा था और जगह जगह खून पड़ा था। पंचायत प्रधान ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी टीम सहित मौके पर पहुंची। बुराड़ा में आग लगने से मकान और दो गौशालाएं जलकर राख, 30 लाख का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज घाटी के पंचायत चिउनी के बुराड़ा गांव में बीती रात आग लगने से तीन मकान और दो गौशालाएं जलकर राख हो गई है। आग से करीब 30 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा घर और गौशाला जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में देवता क्यूरी व्यास ऋषि का रथ भी जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमीरपुर सड़क हादसे में स्कूटी चालक की मौत, दो अन्य गंभीर घायल। नगर पंचायत नादौन के बस अड्डे के निकट बुधवार को ज्वालामुखी मार्ग पर एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक गंभीर घायल को परिजन होशियारपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जबकि दूसरा घायल नादौन अस्पताल में उपचाराधीन है। नादौन बस अड्डे से कुछ ही मीटर दूर एक लोड टिपर ज्वालामुखी की ओर से नादौन की ओर आ रहा था।